हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर अली, मैं करता हूँ लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो यार मुझे पता है कि राजू श्रीवास्तव की डेथ हो गई है, क्योंकि मैंने उनको बहुत देखा हुआ है। कॉमेडी करते हैं ऑब्वियसली, पाकिस्तान में कॉमेडी बहुत देखी जाती है, इंडिया के कपिल का शो भी बहुत चलता है इधर, और पाकिस्तानी लोग भी गए थे इधर से, जो जफरी खान वगैरह गए थे ना, तो वो शो हुआ था उसमें मेरे ख्याल से मैंने उनको देखा था, और वैसे भी मैंने इनको देखा हुआ है, आम तौर पर भी देखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनकी कोई वीडियो देखें, कोई वीडियो बनाएं, तो मैंने एक वीडियो उनकी पुरानी है वो देखने लगा हूँ। वो मैंने नहीं देखी हुई, बाकी मैंने कई वीडियोज़ उनकी देखी हुई थी, तो चले आज उनकी ये वीडियो देखते हैं। ओए सिद्धू था यंग है, हार्ट अटैक हुआ, बहुत अच्छा लगा है। मजाक मजाक में काफी लोग आ गए। अरे आप भी आया यार, लेजेंड है। तो बहुत सारी तालियां लेने के लिए आपके बीच आया हूँ बॉम्बे से। यहाँ मैं यहीं घुमा करता था लखनऊ में, ये नखास वखास में टुंडे कबाब ये वो, गैया बैठी रहती सड़क पे यहाँ। हाँ चार बाग में आप स्कूटर से निकल रहे हो, निकल ही नहीं पाओगे और उठेंगे भी नहीं, अब हॉर्न मारते रहो और चार बाग में गैया बैठी रहेंगे, उल्टा आपको ऐसे चिढ़ाएंगी। यार ये एक चीज है कि ये कॉमेडी साफ कॉमेडी करते थे, कोई वल्गर नहीं, मतलब कि कोई पंच लाइन भी होती है ना, अडल्टी नहीं। और मतलब दूसरी गैया से कहती हैं, ये देखो कितनी बेवकूफी कर रहा, हमें उठना तो है नहीं, उससे ऐसे कह... देखा लग रहा है। तो दूसरी वाली जैसे बहुत जरूरी चीज देख रही, वैसे देखेंगे। ऐसे है, सही नोटिस किया वो। जन्मजात चिंगम दिया ऊपर वाले ने। और गाय, गाय हमारी माता होती, इतनी मासूम इतनी सीधी होती हैं। मैंने देखा यहाँ अमीनाबाद में पीछे पान की दुकान के पीछे ऐसे सीधे चुपचाप खड़ी अकेले, तो मैंने जाके धीरे से उनके प्यार से गर्दन में ऐसे कर दिया, जैसे मैंने प्यार से ऐसे किया, उन्होंने पूरी गर्दन दे दी। कि ले अब ठीक से करो, करने का बहुत मन है, अब करो। अच्छा कुत्ते क्यों दौड़ते हैं मुझे मालूम नहीं। अच्छा उनको पता भी है कि इस चौराहे से पांचवा मकान आपका है या छठा मकान आपका है, आपको जानते भी हैं, फिर भी कई साल से दौड़ाएंगे, मारुति के पीछे लग जाएंगे, कार के पीछे लग जाएंगे, छह भागना शुरू करेंगे, छह भागते चौराहे से, छह भागेंगे दो रुक जाते हैं, दो समझदार हैं उसको याद आ गया कौन है ये, दो रुक गए, चार आपको गेट तक एंट्री करा के गेट बंद करवा के फिर लौटते हैं। तो जो लौटते हैं चार, तो पहले के शुरू वाले दो वाले बोलते हैं कहां तक गए थे, कितना रियल कह रहा है, कितनी दूर गए चले गए, अरे तिवारी जी हैं समोसे वाले। मुश्किल है। तो वो चार बोलते हैं हाँ तो तुम भी तो दौड़े थे, हम साले जानबूझ के इसलिए दौड़ते हैं कि तुम लोग आखिरी तक दौड़ो। ये है स्टैंड अप कॉमेडी, है रियल नो वर्गर। अभी मैंने चार पांच कुत्तों को देखा, इंदिरा नगर में बात कर रहे हैं, गोमती नगर से पहले दोनों चारों छह बात करें, पांच छह कुत्ते मीटिंग। एक्चुअली अनिल अंबानी को चाहिए कि गांव गांव बिजली पहुंचाए, आजादी के 60 साल होने जा रहे हैं, अभी तक गांव गांव बिजली नहीं पहुंची, बिजली की इतनी समस्या उत्तर प्रदेश में, अब चाहिए मतलब कि गांव गांव बिजली पहुंचे। तो दूसरा बोला अरे बिजली तुम क्या करोगे, तुम क्या कंप्यूटर चलाओगे कि फैशन शो देखोगे, ये प्राणापुर की नहीं नहीं, बिजली अगर गांव गांव पहुंचेगी ना तो नए नए खंबे गड़ेंगे। देखे कैसे डिसेंट सारे बैठे, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, ड्रेसिंग उनकी एक बार। अच्छा वैलेंटाइन डे में यहाँ भी आजकल बहुत हो रहा है सब, हाँ लखनऊ में भी बहुत वैसे जी सब, हजरतगंज में ज्यादा होता है। तो वैलेंटाइन डे वाले दिन मैंने देखा इधर राजा जीपुरम में, मैंने देखा एक कुतिया जा रही है, अब कुतिया है तो कुतिया ही बोलना पड़ेगा, फीमेल डॉग बोलते हैं बड़ी पॉश हो जाएंगी। इसका पोल चेक करो,
एक कुतिया जा रही है, उसके पीछे चार कुत्ते लगे हुए हैं। वैलेंटाइन डे का दिन, उन चार कुत्तों के पीछे एक लंगड़ा कुत्ता लगा हुआ, वो कुतिया तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और कुत्ते इतने मासूम होते हैं, इतने भोले होते हैं, अगर जरा सी कुतिया की बॉडी छू भर गई उतने में खुश। अच्छा, खुशी खुद को मिली है और बताएंगे बिल्डिंग वालों को, मेरा आधा काम हो गया। मुश्किल है ये करना। अब आगे कुतिया, बीच में चार कुत्ते, पीछे लंगड़ा कुत्ता, लंगड़ा कुत्ता वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो सरदार जी देखा, सरदार जी बहुत रहम दिल होते, हेल्पफुल लोग होते, मदद करते सबकी, उनको रहम आया, बोले यार इसको भी ऊपर वाले ने बनाया, इसके अंदर भी फीलिंग्स होंगे, इसके अंदर भी दिल है, और वैलेंटाइन डे है। गए एक लकड़ी लेके आ डंडा, और चारों कुत्तों को मारा, थपा थपा लंगड़ा कर दिया, लंगड़े के छोड़ दिया, जाओ मिल लो। दिल देखिए, मिला दिया। अगले दिन देखा, फिर ऐसे ग्रुप जा रहा है, आगे कुतिया, बीच में चार कुत्ते, पीछे लंगड़ा कुत्ता, फिर ऐसे सब सूंघते हुए चल रहे हैं। इतने में लंगड़ा कुत्ता फिर सरदार जी की तरफ देख रहा है, इस बार सरदार जी भाग गए, डिफरेंट ओपी, और गए और डंडा लेके आ लंगड़े को मारना शुरू किया, लंगड़े को धपा धपा मारा। सब लोग बोले पापा जी लंगड़े कुत्ते क्यों मारे? और यार मैंने कल इसकी मुलाकात करवा दी, कल मैंने इसकी दोस्ती करा दी, इसकी मदद की, इसको आदत पड़ गई, ये क्या समझता है मेरा ये धंधा है। सही किया, ये भी सही किया। कितनी साफ कॉमेडी थी ना, अगर देखा जाएगा बहुत ही मजे की थी, क्योंकि ये जो पुराने दौर के होते ना, वो टाइम आप निकाल के देखे ना, कि वो रिस्पेक्ट जो थी उस टाइम में एक दूसरे को देते थे, चाहे जो भी हो, सीनियर हो, जूनियर हो, जितना भी जो भी होता है, वो चीज़ देखने वाली होती थी। वो चीज़ अब बहुत कम है, बट उनकी डेथ हो गई है, अच्छा था। अब ये जो और लोग होते हैं, इनको कम ही मतलब के लोग, अभी ज़्यादा लोग कम ही जानते हैं, अगर वो कंटिन्यू रखते हैं, बट इनको जानते थे लोग, काफ़ी लोग जानते थे। और भी हैं पाकिस्तान के भी बहुत कॉमेडियन हैं जो कि इंडिया में मशहूर हैं, इंडिया के पाकिस्तान में हैं, अरे लेन देन चलता ही रहता है, मुझे लगता है सॉन्ग पाकिस्तानी भी उधर चलते हैं, इधर भी चलते हैं, मूवीज़ भी बहुत चलती हैं, मैं ऑलमोस्ट बहुत देखी हैं मूवीज़, बहुत देखी हैं, पाकिस्तानी भी देखी हैं, ये भी देखी हैं सारी रैंडमली, बट एट द एंड वो ही है कि सभी ने जाना है, सब ने जाना है। तो आज वो हैं, कल हमारी ये आनी आनी है, मौत तो आनी आनी है, जो मर्जी कर, इधर इधर फरिश्ते घूम रहे हो, उन्हें कभी भी आ सकती है। तो चले, ये थी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।